अच्छा आपने मार्केट स्ट्रक्चर तो समझ लिया कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके कौन कौन से प्लेयर्स हैं किस तरह से इंटीग्रेटेड या लेस इंटीग्रेटेड हैं आइसोलेटेड हैं वो तो एक बात हुई अब वो अब नेपरा वाले जब बैठ के नेपरा का क्या है बोर्ड फेडरल फेडरल का एक आदमी है और हर प्रोविंस का एक एक आदमी इसके अंदर है अब वो बैठ के कहेंगे जी इसकी बिजली की कीमत कितनी रखनी चाहिए अगर आप फर्ज कीजिए एक्सटर्नल प्रेशर अब जो हाजिर में है दो में उसको निकाल दें तो क्या उसमें कंपोनेंट आते हैं वो उसको मैं समझाऊंगा कि उसकी क्या आ, कैसे डिटरमिन करते हैं कि बिजली की कीमत कितनी होनी चाहिए तो वो जो इस सेक्शन का है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस पर हम बात करेंगे इस सेक्शन के अंदर तो दो किस्म की कॉस्ट होती है एक फ़िक्स होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट ऑफ जनरेशन होती है अब फिक्स कॉस्ट के अंदर जितने भी आ, सामान जितना भी इस्तेमाल हुआ है फैक्ट्री लगाने के अंदर इक्विपमेंट लैंड फाइनेंसिंग प्रो प्रोजेक्ट मैनेजर ग्रिड कनेक्शन कंस्ट्रक्शन पावर प्लांट का जो है वो सब कुछ इसके अंदर फिक्स कॉस्ट के अंदर आ जाता है अब फिक्स कॉस्ट को नीचे लिखा हुआ है ना जैसे इसको कहते हैं संक कास्ट संग कास्ट का मतलब ये कि अगर आप आपने प्लांट लगा लिया उसके बाद पाँच साल के बाद मजा नहीं आया है इसको बेचना है तो वो जो फिक्स कॉस्ट है ना वो रिकवर नहीं होती वो जो है ना वो उसके अंदर चली जाती है रिकवर तो खैर अलग बात है फिर उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के अंदर भी उसको इस्तेमाल करना मुश्किल होता है वो सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट है उससे सारी चीज़ें तय होती हैं तो इस वजह से उसको संग कॉस्ट कहते हैं तो आ, इसका जो जैसे यूनिट है वो ये एक्सप्रेस उसको करते हैं पर यूनिट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कि कितने मेगावाट का प्लांट है उसके हिसाब के अंदर पूरे जो कॉस्ट है उसको ले कर उसको डिवाइड कर दें तो वो कॉस्ट पर यूनिट उसके अंदर आ जाती है तो ये ये फिक्स कॉस्ट हुई है ना ये बिल्कुल जो कि एक मरत लगाई तो फिर वो रिकवर करना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके अलावा जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है जो कि ऑपरेशन के, के दरमियान जैसे फ्यूल हुआ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हुई वो और ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन चार्जेस अगर अप्लाई होते हैं अभी तक तो हमारे पास शायद नहीं हो कुछ जगह अप्लाई करना होना शुरू हो गए हैं Uh, uh, काफ़ी सारे ममालिक में अप्लाई होना शुरू हो गए हैं कि जो आप कार्बन एमिट कर रहे हैं उसके पैसे दें क्योंकि किसी को तो सफाई करनी पड़ेगी ना तो उसको और सफ... जो एमिट कर रहे हैं अब मसलन जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि अमरीका अमेरिका जो है अ, चार फीसद लोग जो हैं पच्चीस फीसद बिजली एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके इस्तेमाल करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसका अफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा ना ये सैलाब वगैरह ये वो सब चीज़ें जो आते हैं उनको फिर कौन कंपनसेट करेगा तो वो ये पैसे यहाँ से आते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के जो टैक्स लगता है उसको जो है वो लेके फिर इन लोगों को देते हैं चलो जी हम सॉरी हमसे गलती हो गई कि हमने इतने इतनी सारे तेल इस्तेमाल कर लिया है और आपको इस पर बहुत ज़रा परेशानी हुई है तो आप ये पैसे ले लें असूल में ये होना चाहिए होता होता नहीं है ऐसा थोड़ा बहुत इधर चूँगे में दे देते हैं लेकिन बाकी जो है ना वो ज़्यादातर ऐसा नहीं लेकिन बहरहाल कॉन्शियसनेस आ गई है लोग कहना शुरू कर दिया है कि हमको ऐसा सारे जितने भी डेवलपिंग नेशनस हैं डेवलप्ड नेशन है उनको एक फंड बनाना चाहिए और जो डिवेलप डेवलपिंग नेशन है जिनको परेशानी हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको फिर सपोर्ट किया जाए वो चीज़ें सारी वेरिएबल कॉस्ट में और इस कॉस्ट से फिर वो कॉस्ट निकलती है पर किलो वाट आवर कास्ट है ना जो वेरिएबल कॉस्ट आती है उसके हिसाब से टिपिकली कैलकुलेटेड एज पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इसकी बदौलत ही वो फैसले किए जाते हैं ना कि ये प्लांट चलाएं या ना चलाएं वो चलाना या ना चलाने वाला फैसला इससे होता है वो प्लांट बनाना या ना बनाने वाला फैसला फिक्स कॉस्ट से होता है प्लांट चलाना या ना चलाने वाला फैसला वेरिएबल कॉस्ट से होता है तो ये दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और उमन ये कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी का मुख्तफ होता है इसमें आपको वेरिएबल और फिक्स के दोनों का देखा आपने इन्वेस्टमेंट भी है फिक्स कॉस्ट भी है वेरिएबल कॉस्ट भी है और अगर कार्बन डाईक्साइड एक कंसिडरेशन है तो वो कॉस्ट भी है इसके अंदर तो ये आप देख लें मुख्तलिफ़ुम का जैसे कोल है सोलर है विंड है न्यूक्लियर है इन लोगों की इन्वेस्टमेंट कास्ट बहुत ज़्यादा होती है ऑपरेशन कास्ट इतनी नहीं होती लेकिन इन्वेस्टमेंट कास्ट ओरिजिनल कास्ट बहुत ज़्यादा होती है ये कम होती जा रही हैं बहुत कम होती जा रही हैं सोलर के अंदर विंड के अंदर विंड में अभी थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन सोलर में तो बहुत ही कम हो गई है तो ये वेरी करती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन कितनी है उसके हिसाब से Uh, तो लेकिन बहरहाल फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है तो वो फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह रहेगी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी जगह रहेगा वेरिएबल जो है वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है आगे पीछे होता रहता है लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड के देखें कोल का वो जो डायमंड है वो कहाँ तक के चला गया नेचुरल गैस का भी है वो बीच में आ गया बाकी जो रिन्यूएबल जो है विंड है सोलर है न्यूक्लियर है वो कितना नीचे है न्यूक्लियर थोड़ा सा एक स्पेशल केस है क्योंकि न्यूक्लियर का जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से पहले की बात है जब वो एनरिचमेंट होती है ना उसकी यूरेनियम टू थर्टी फाइव की उसमें कितना सारा इलेक्ट्रिसिटी इसका मतलब कार्बन इस्तेमाल होता है तो न्यूक्लियर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कार्बन डाइऑक्साइड से खाली है उसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट है तो उसका अगर इंक्लूड करेंगे तो न्यूक्लियर वहाँ नहीं होगा जहाँ ये है न्यूक्लियर सिर्फ जब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती लेकिन उसको जमा करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी uh, इस्तेमाल करनी पड़ती है जो सिर्फ कोल या गैस जलने से आती है फिर आखिर आखिरकार में देखेंगे कोल क्रिटिकल पावर प्लांट्स जो होते हैं ना या कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स जो होते हैं जिसमें बिजली भी और हीट भी दोनों निकलती हैं उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इस वजह से वो उसकी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कोल का जितना कोल कार्बन डाइऑक्साइड का जितना कोल और नेचुरल गैस के लिए तो डायमंड जो है वो थोड़ा सा नीचे हुआ हुआ, हुआ है चाइनीज़ ज़्यादातर जो अब नए प्लांट लग रहे हैं वो ये कंबाइंड साइकिल ही है इसको हम बताएंगे आगे चल के किस तरह से कंबाइंड साइकिल का मतलब क्या होता है तो अब एनुलाइज फिक्स कॉस्ट ये जो प्लांट चलते हैं कि साठ सत्तर साल चलते हैं ना जितना भी वो टाइम होता है वो पूरा जो इतने फिक्स कॉस्ट है उससे उसके अंदर ये फॉर्मूले में डालें तो आपकी सारी एनुलाइज फिक्स कॉस्ट उसके अंदर से निकल जा निकल आती है फिक्स का मतलब ये कि कितने रुपए पर किलो वाट आवर प, पर किलो वाट पर आवर किलो वॉट राइट पावर जनरेशन की बात करें पर किलो वाट पर पर ईयर सी फिक्स जो है वो फिक्स कॉस्ट है पर किलो वाट आज जो है वो डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड का मतलब ये होता है कि जो पैसे लगाए ना प्लांट के अंदर वो ये कहते हैं कि जी अच्छा चलो मैं इसमें नहीं लगाता मैं सोना खरीद लेता हूँ तो सोना ख़रीदने के मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे कि इस प्लांट में लगाने के पैसे ज़्यादा लगेंगे तो वो जो वो एक डिसीशन होता है ना वो इसके अंदर आता है ये जो डिस्काउंट रेट के क्या इसकी इसकी क्या एडवांटेजेस क्या है मुझे इसके स्तर और वाई जो है वो टोटल लाइफ टाइम जो साठ सत्तर साल की जितनी भी इसकी उम्र होती है ये जो है ये सबसे आजकल इंपॉर्टेंट चीज़ है लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेवलाइज कॉस्ट में आप देखें दोनों चीज़ें आ जाती हैं ये फिक्स कॉस्ट भी आ जाती है और जो जो इसके अंदर जितने भी साल की जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं वो भी आ जाती हैं डिस्काउंट रेट भी आ जाता है लाइफ टाइम भी आ जाता है आ, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टोटल जितनी भी होती है ना पूरी लाइफ के अंदर पूरी लाइफ के अंदर उसको मिला के उसको अगर आप निकालें ना तो जो कॉस्ट निकल आती है उसको लेवलाइज कहते हैं क्योंकि लेवलाइज जो है सारी आउटपुट के ऊपर लेवलाइज होती है पूरी आप अगर ये प्लांट साठ साल चलेगा कितना इसमें यूनिट उसके अंदर से आएंगे तो उसके हिसाब से फिर कॉस्ट कैलकुलेट करें पूरी उसकी यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करें तो इससे फ़ायदा क्या हो जाता है कि आप किसी किस्म का भी पावर प्लांट हो विंड पावर प्लांट हो आ, सोलर पावर प्लांट हो कोल पावर प्लांट गैस पावर प्लांट हो तो फिर आप उसको यूनिट प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं कि इससे इतने में बनेगी इससे इतने में बनेगी इससे इतने में बनेगी फिर वो अब डिसीशन कर लेना आसान हो जाता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और इसके इंटरप्रिटेशन जो है ना बा मरत लोग गलत तरीके से भी कर लेते हैं तो उसको थोड़ा सी एहतियात करनी पड़ती है लेकिन इससे अच्छा कोई और हमें कंपेरेटिव यूनिट अवेलेबल है नहीं जिससे हम घोड़े और गधे की पहचान कर सकें कि सोलर सेल से जो बिजली निकलती है उसकी कीमत क्या है और जो कोल जलाने से जो बिजली निकलती है उसकी कीमत क्या है अब ये देखें मुख्तलिफ़ कस्म की जो जनरेशन सोर्सेज हैं उसका कंपेरिजन दिया हुआ है अब ये चार्ट को अगर देखें तो अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई न्यूक्लियर यकीन है ज़रूर लेकिन उसकी अपनी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गैस है कोल है सोलर uh, जो है वो गैस के बिल्कुल को करीब आती जा रही है तो ये सब चीज़ें फिर कंपेरेटिवली आसान हो जाती हैं लोगों के मेकिंग मेकिंग के लिए और ये सिर्फ उसी वजह से आता है जब आप लेवल ऑफ कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर करें ये सारा कंपैरिजन मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी सोर्सेज का बहुत आसानी से किया जा सकता है